बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर ट्रॉमेटोलॉजी के या फॉरेंसिक मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, और ये पॉइंट्स आपके SCQs में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, MCQs में भी काम आएगी, वाइवा में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपने दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि अपने साथ कोई ना कोई नोटबुक रख लो या कोई रफ पेज रख लो, और बाल पॉइंट और पेन निकाल लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो ट्रॉमेटोलॉजी है, ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर जनरल ट्रॉमेटोलॉजी भी आती है, रीजनल इंजरीज भी आ जाती है, एस्फिक्सिया आ जाता है, ड्राउनिंग है, इतना ज़्यादा सिलेबस है ट्रॉमेटोलॉजी का। तो फिर हम ट्रॉमेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजरीज से हम पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मैकेनिकल इंजरीज की हेडिंग दे देते हैं, ओके, और फिर स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजरीज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो आपको पता है कि मैकेनिकल इंजरीज ब्रूस भी होता है, कॉन्ट्यूजन ब्रूस को या कॉन्ट्यूजन भी बोलते हैं, ठीक हो गया, ओके। दूसरा एब्रेशन होता है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग ख़राब हो गई है तो इसके लिए माजरत, एब्रेशन है, ओके। फिर लैसिरेशन आ जाती है, इनसाइज्ड वुंड है, और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। अब उसको एब्रेशन कब बोलते हो, जब वो इंजरी अगर सुपरफिशियल लेयर हो स्किन को इन्वॉल्व करती है, सुपरफिशियल एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है, तब आप इसको क्या बोलते हो, एब्रेशन बोलते हो, ओके। डर्मिस को इन्वॉल्व नहीं करती बल्कि सुपरफिशियल एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन, ओके, ठीक है। और एब्रेशन को आगे मजीद हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है स्क्रैचेस और दूसरी होती है ग्रेजेस, ठीक है, ओके। और जो ब्रूज होती है, ब्रूज को क्या बोलते हैं, कंट्यूजन बोलते हैं। और आपको ये पता है कि जो ब्रूज है, एब्रेशन और लैसिरेशन, तीनों की तीनों ब्लंट वेपन से होती है, ठीक है, ब्लंट वेपन, लाइक जो इसका स्मूथ सर्फेसिस होती है, रफ इरेगुलर या पॉइंटेड शार्प एजेस नहीं होते, तो उसको बोलते हैं हम ब्लंट वेपन बोलते हैं। तो ब्लंट वेपन से ब्रूज, एब्रेशन और क्या क्रिएट होता है, लैसिरेशन वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो ब्रूज होता है या कॉन्ट्यूजन होती है, तो ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्रिएट होती है। इसमें होता है क्या है, इसमें डैमेज होता है ब्लड वेसल्स को, ओके। तो ब्रूज या कॉन्ट्यूजन में डैमेज होगा किसको, ब्लड वेसल को होगा, और इसमें ब्लड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा विजिट कर देगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल को डैमेज करने के बाद ब्लड अगर एक्स्ट्रा विजिट होकर टिश्यू में आना शुरू हो जाए, तो उसको ब्रूज या कॉन्ट्यूजन बोलते हैं, ओके, ठीक हो गया। जबकि एब्रेशन को मजीद आगे हम दो में, वैसे दो बेसिक सिंपल टाइप है, ग्रेस और सिंपल हम क्या कहते हैं, स्क्रैचेस कहते हैं। स्क्रैचेस क्या होता है कि जो सिंगल शार्प लीनियर ऑब्जेक्ट होता है वो अगर स्किन को स्क्रैच करता है, स्किन को थोड़ा सा डैमेज करता है, तो उसकी वजह से स्क्रैचेज आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेस के अंदर फ्रिक्शन मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेस के अंदर क्या आ जाते हैं, फ्रिक्शन मार्क्स आ जाते हैं जो रिलेटिवली लार्ज एरिया के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो एब्रेशन के अंदर क्या होता है, एब्रेशन के अंदर सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। स्क्रैचेस के अंदर क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट स्किन को पास अक्रॉस करना होता है, ग्रेजेस के अंदर फ्रिक्शन एब्रेशन होती है। कॉन्ट्यूजन के अंदर आपको बता चुका हूं कि ब्लड वेसल को डैमेज होती है, ठीक है, ब्लड वेसल को डैमेज होता है। जबकि लैसिरेशन के अंदर ये भी ब्लंट वेपन से क्रिएट होता है, ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है। तो इसके अंदर टिश्यू का टेयर होता है या स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, ओके। टिश्यू का क्या होता है, टिश्यू का टेयरिंग होती है, टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है, फाइनल अल्टीमेट आपको टेयर देखने को मिलता होता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट लैसिरेशन के अंदर जो ब्रीचिंग ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, इंटैक्ट होती है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इन साइज से तो उसमें ऐसा नहीं होगा, यानी इसमें जो इंटैक्ट होती है, जो ब्रीजिंग ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल ब्रीच कर रही होती है, तो वो इंटैक्ट होती है, लेकिन इसके मार्जिन्स और एजेस इरेगुलर होते हैं, किसके, लैसिरेशन के, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा इनसाइज्ड वुंड। जो इनसाइज्ड वुंड होता है ये ब्लंट वेपन से क्रिएट नहीं होता बल्कि ये किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट होता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ शार्प ऑब्जेक्ट अगर पास कर रहा था तो उसकी वजह से स्क्रैचिंग होती थी, तब वो एब्रेशन था। तो जो इनसाइज्ड वुंड है ये शार्प इंस्ट्रूमेंट से होता है। इस केस में जो ब्रीचिंग ब्लड वेसल है, जो ब्रीच कर रही होती है, वो इंटैक्ट नहीं होती, वो डैमेज हो जाती है, सेवर्ड हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। तो शार्प होता है और इसमें जो ब्रीचिंग ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये इनसाइज वुंड के बारे में चंद बातें हो गई है। इसके अलावा एक और वुंड होता है, पंक्चर वुंड होता है। जो पंक्चर वुंड होता है ये किसी लॉन्ग पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से होता है। तो लॉन्ग पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से जो होगा तो वो होता है, कौन सा वुंड होता है, वो होता है पंक्चर वुंड होता है। पंक्चर वुंड को आगे दो में डिवाइड कर देते हैं, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग वुंड होता है, ओके। जो पेनिट्रेटिंग होता है और परफोरेटिंग होता है। जो पेनिट्रेटिंग और परफोरेशन में क्या फ़र्क होता है, बस फर्क होता है वुंड ऑफ एग्जिट का, ठीक है।
ओके, यानी जो परफोरेशन वाले में जो होता है इसमें वुंड ऑफ एग्जिट क्रिएट होता है, एंट्री तो हो गई होगा, लेकिन पेनिट्रेटिंग के अंदर जो वुंड होता है वो टिश्यू को पेनिट्रेट करता है लेकिन कोई वुंड ऑफ एग्जिट हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस होता है ये पंक्चर्ड, ये पेनिट्रेटिंग का और परफोरेटिंग वुंड का। ओके ठीक हो गया। ग्रेस का आपको मैं बता चुका हूँ कि ग्रेस क्या होता है, ग्रेस फ्रिक्शन की वजह से होता है, जब वायलेंट फ्रिक्शन होती है अगेंस्ट द ब्रॉड रफ एरिया, यानी ब्रॉड रफ एरिया, ठीक है, तो ये क्या होती है, ग्रेजेस होती है। ओके, या फिर हम इसको ब्रश बर्न भी बोलते हैं, ब्रश बर्न भी बोलते हैं, किसको, ग्रेजेस को ब्रश बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। एक प्रेशर एब्रियन भी होती है जो लाइगेचर मार्क में देखने को मिलती है, यानी जो एब्रियन है इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। ओके ठीक है, यानी एब्रियन को ग्रेस के अलावा इसको पैटर्न भी होता है, एक पैटर्न एब्रियन भी होता है और एक होता है इम्प्रिंट इम्पैक्ट या पैटर्न, यानी इम्पैक्ट है, इम्प्रिंट है, पैटर्न एब्रियन है, पैटर्न तो बता चुको। और ये लास्ट होता है प्रेशर, जो प्रेशर एब्रियन होता है ये लाइगेचर मार्का होता है, लाइगेचर मार्का किसमें देखने को मिलता है, सुसाइडल और उसमें सुसाइडल हैंगिंग होती है या होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन होती है, जबकि पैटर्न एब्रियन को हम इम्प्रिंट एब्रियन बोलते हैं या इम्पैक्ट एब्रियन बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, ये किसी रफ ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट की वजह से होता है, यानी जो चीज़ या जो लगी है उसका निशान छप जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनसाइज वुंड, पंक्चर वुंड, इसके अलावा कुछ गन शॉट वुंड होते हैं, ठीक है, गन शॉट वुंड होती है, गन शॉट वुंड है, तो गन शॉट वुंड होती है, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है, यानी ये भी पंक्चर वुंड के एक फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन होती है, परफोरेशन होती है और इसकी एक प्रॉपर डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, मैं इसको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ हेजिटेशन मार्क्स होते हैं और टेंटेटिव कट्स होती है, अगर आपको हेजिटेशन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, ओके, हेजिटेशन मार्क्स हैं या टेंटेटिव कट्स होते हैं, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इस बंदे ने पास्ट में या रिसेंट कोई सुसाइडल अटैम्प्ट परफॉर्म की है। ओके, जो फ्रिक्शन एब्रियन, अगर फ्रिक्शन एब्रियन देखने को मिले या जिसको हम ब्रश बर्न बोलते हैं, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ग्रेस को। ओके, और ग्रेस स्क्रैच है, पैटर्न एब्रियन और प्रेशर एब्रियन, ये सारी की सारी एब्रियन के टाइप्स आती है। इसके बाद है टेलिंग ऑफ वुंड है, टेलिंग ऑफ वुंड ये इनसाइज्ड वुंड को इंडिकेट करता है। ओके ठीक है, यानी जो इनसाइज वुंड है और वहाँ पर आपको टेलिंग ऑफ वुंड देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टेलिंग ऑफ वुंड होती है जो सुसाइडल या जिसको आप कह सकते हो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, जो पैटर्न एब्रियन है इसकी एग्जाम्पल है प्रेशर इंजरी है, जो प्रेशर इंजरी होती है, इम्पैक्ट इंजरी होती है, उसकी वजह से क्रिएट होता है। ओके ठीक हो गया। और जो लैसिरेटेड वुंड के अंदर अगर आपको क्या देखने को मिलती है, क्रश हेयर बल्ब देखने को मिलती है, यानी जो हेयर बल्ब होते हैं वो लैसिरेटेड वुंड के अंदर क्रश हो जाते हैं। ओके ठीक है, तो ये चंद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जो आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है हम बात कर लेते हैं कंट्यूजन की, या थोड़ी सी कंट्यूजन की बातें कर लेते हैं, या ब्रूजिस की बातें कर लेते हैं। ओके, ब्रूजिस या इसको ब्लैक आई भी बोलते हैं, जो कंट्यूजन होती है इसके अंदर ब्लड डिफ्यूज कर जाता है इनटू द टिश्यू ड्यू टू द रप्चर ऑफ सबकुटेनियस वेसल, यानी यहाँ पे क्या होगा, सबकुटेनियस वेसल का रप्चर होता है और इसकी वजह से ब्लड की इफ्यूजन होती है, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, इफ्यूजन इनटू द टिश्यू, ठीक है। तो ये होता है कंट्यूजन या ब्रूजिस, ये सुपरफिशियल इंजरी होती है, कभी कभार एग्जाम में इसकी एज भी पूछी जाती है। तो एज के अंदर आपने रट्टा मारना है कि पहले ये रेड होता है, फिर वो ब्राउन होता है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। रेड होता है तो वो किस वजह से होता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आई थिंक मैं दरमियान में एक चीज़ छोड़ गया हूँ, ब्राउन से पहले ब्लू भी आना है। तो रेड होता है ऑक्सी की वजह से, जो ब्लू होता है वो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, जो ब्राउन होता है वो हीमोसिल्ट्रिन की वजह से होता है, जो ग्रीन होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है, येलो होता है बिलीरुबिन की वजह से, और दो हफ्तों में ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जो यानी दो हफ्तों में ये ब्रूज ठीक हो जाता है, टू वीक्स में आके। ओके, यानी जो रेड होता है ये शुरू के लेकर एक से लेकर दो घंटे में होता है। ओके, फिर तीन दिन तक एक्सटेंड करते हुए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, चौथे दिन है, पाँचवें दिन है,
यानी पाँचवें से लेकर ठीक है चौथे दिन में ब्राउन है, पाँचवें से लेकर छठे दिन में ग्रीन होता है, जबकि येलो होता है ये सात से लेकर 12 दिन में। ओके तो ये एज ऑफ क्या होती है, ब्रूज या कॉन्टिगन होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनसाइज्ड वुंड की, ठीक है, इनसाइज्ड वुंड की। जो इनसाइज वुंड है ये क्लीन कट थ्रू द टिश्यू होती है, यानी इसमें क्या होता है क्लीन कट होती है टिश्यूज़ की। ओके और इसकी जो लेंथ होती है वो डेप्थ से ज़्यादा बड़ी होती है, यानी इस केस में जो लेंथ होती है वो डेप्थ से रिलेटिवली बड़ी होती है। ये क्लीन कट थ्रू वुंड होता है, इसमें आपको टेलिंग ऑफ वुंड देखने को मिलती है इनसाइज के केस में। ओके ठीक है, टेलिंग देखने को मिलती है। ओके और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इनसाइज लाइक वुंड से भी करते होते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है तो जो टेलिंग ऑफ वुंड है, एजिटेशन मार्क्स है, टेंटेटिव कट्स है, वो सुसाइडल में देखने को मिलते हैं, लाइक टेलिंग है। इसके अलावा एजिटेशन होती है। ओके और इसके अलावा ट्रायल वुंड्स होते हैं, ये किस में देखने को मिलती है, सुसाइडल या सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजरी के अंदर देखने को मिलते होते हैं। ओके जो क्लीन इनसाइज वुंड होते हैं वो हील करते हैं प्राइमरी टेंशन से, जो इन्फेक्टेड होते हैं वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील करते होते हैं। ठीक है इसके अलावा कुछ और वुंड की करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि डिफेंस वुंड क्या होता है, ओके सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वुंड क्या होता है, फैब्रिकेटेड वुंड क्या होता है, वैसे फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वैसे एक ही चीज़ होती है, टेंटेटिव कट्स, सुसाइडल अटेम्प्ट है, स्टैब वुंड, इनमें क्या चीज़ें होती है, क्या डिफेंस होता है। जो डिफेंस वुंड होते हैं ये जब इंडिविजुअल अपने आप को सेव कर रहा होता है, सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंजरी, तो इस केस में डिफेंस कट आते हैं। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जो पर्सन खुद अपनी बॉडी के ऊपर करता होता है, सेल्फ इन्फ्लेक्टेड होते हैं। जो फैब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है, अब फैब्रिकेटेड के अंदर और सेल्फ इन्फ्लेक्टेड के अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, लाइक फैब्रिकेटेड के अंदर जो वुंड्स होते हैं या तो पर्सन अपनी बॉडी के ऊपर भी करेगा प्लस या फिर वो दूसरा बंदा भी कर सकता होता है इसके केस में, लेकिन वो कंसेंट देता है। यानी अगर वो खुद अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है तो वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, या अपनी बॉडी पर अप्लाई करता है या दूसरा बंदा भी कंसेंट के जरिए अप्लाई करता है तो फिर वो फैब्रिकेटेड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है तो हम सारे वुंड्स को एक साथ कवर कर रहे हैं। ओके ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं टेंटेटिव कट्स हैं, तो जो टेंटेटिव कट्स किसको शो करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट को शो करते हैं। ओके सुसाइडल अटेम्प्ट यानी टेंटेटिव कट्स है, हेजिटेशन मार्क्स होते हैं, ट्रायल वुंड है, तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स को शो करते हैं। ओके जो स्टैब वुंड होता है, स्टैब वुंड में क्या होता है कि उसकी डेप्थ रिलेटिवली मैक्सिमम होती है, जबकि अगर लेंथ मैक्सिमम हो तब उसको इनसाइज वुंड बोलते हैं, यानी इसमें डेप्थ रिलेटिवली ज़्यादा होती है। जो लेंथ होती है अगर वो ज़्यादा हो तो उसको इनसाइज वुंड बोलते हैं। ठीक हो गया। ओके और फिर इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं, लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ट्री कॉप इंजरी किस जगह पे होती है, किस ऑर्गन पे देखने को मिलती है या किस कंडीशन में होती है, तो आपने रट्टा मारने को जो कॉन्ट्री कॉप इंजरी होती है वो हेड की इंजरी में देखने को मिलती है। ओके ठीक है। ओके और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। ठीक है इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रीवियस इंजरी। अब ग्रीवियस इंजरी क्या होती है, ये मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन होती है ग्रीवियस इंजरी, ये ठीक है सिंपल है, फैटल और ग्रीवियस इंजरी है। अगर ग्रीवियस इंजरी है इसके अंदर कौन कौन सी इंजरी आ जाती है, तो ग्रीवियस इंजरी के अंदर ईमैस्कुलेशन है, यानी किसी का टेस्टिस वगैरह को निकाल देना, ठीक है ओके, या फिर आइज़ को डैमेज कर देना, परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है या परमानेंट डैमेज टू द आई है। ओके या फिर हेयरिंग को रिमूव कर देना, हेयरिंग है परमानेंट हेयरिंग डैमेज है, या उसको हम ऑडिटरी डैमेज भी बोल सकते हैं, या किसी जॉइंट्स को डैमेज कर देना, या किसी जॉइंट की पावर को ख़राब कर देना, या डिसफिगरमेंट करवा देना फेस की। ओके सारी ग्रीवियस इंजरी के अंदर आती है। ओके जो विप्लैश इंजरी आती है एग्जाम में कभी कभार विप्लैश इंजरी भी आ जाती है, तो विप्लैश इंजरी के अंदर इनिशियली क्या होती है, हाइपर एक्सटेंशन होती है और फिर इसके बाद हाइपर फ्लेक्शन होती है। ओके सी फोर से लेकर सी सिक्स एरिया डैमेज होता है आई थिंक, ठीक है ओके तो ये विप्लैश इंजरी हो जाती है। तो ये तो बातें होगी चंद इनकी मैकेनिकल इंजरी के बारे में। कभी कभार कुछ चीज़ें आ जाती है जो फायर आर्म इंजरी से रिलेटेड है, तो फायर आर्म के अंदर आपने क्या क्या चीज़ों को रट्टा मारना है, तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं फायर आर्म की, और फायर आर्म के अंदर आपने क्या क्या याद रखना है। तो फायर आर्म में एक वर्ड यूज़ होता है चौकिंग, तो चौकिंग का मतलब क्या होता है, चौकिंग में ये होता है कि जो मुजल एंड है उस पर कॉन्स्ट्रक्टिंग फोर्स अप्लाई होती है, यानी जो मुजल एंड है वो अगर कॉन्स्ट्रक्टेड हो तो उसको बोलते हैं चौकिंग। ओके ठीक है एक वर्ड है एक कारबीन, ठीक है ये कारबीन होता है या कारबीन है, ये क्या होता है, ये शॉर्ट बैरल राइफल को बोलते हैं, ऐसी राइफल जिसका बैरल रिलेटिवली शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट बैरल राइफल को एक कारबीन बोलते हैं। ओके जो ब्लैक गन पाउडर है,
उसकी कंपोजिशन क्या होती है, स्मोकलेस की क्या होती है, ब्लैक गन पाउडर है, और स्मोकलेस पाउडर की क्या होती है, स्मोकलेस पाउडर की क्या होती है, इनकी कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। तो जो स्मोकलेस है वो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन पे मुश्तमिल होता है, जबकि जो ब्लैक गन पाउडर होता है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, ओके, और सल्फर आ जाती है और चारकोल आ जाता है, ये तीनों आ जाती है ब्लैक गन पाउडर के अंदर, ओके। जो इंसिड एक बुलेट होती है जिसको बोलते हैं इंसेंट्री बुलेट, आई थिंक मैं इसकी सही स्पेलिंग नहीं लिख रहा, इंसिडिनरी बुलेट होती है, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है या कौन सा मेटल होता है, तो उसका नाम है फास्फोरस। तो फास्फोरस का रट्टा मार लेना। टैंडम बुलेट क्या होती है, दो बुलेट एक ही सक्सेशन के अंदर यानी यके बाद देख रहे जो बुलेट्स होती है उनको क्या बोलते हैं हम, टैंडम बुलेट्स, जो सीरीज में होती है, टैंडम बुलेट्स, ओके, ठीक है। इसके बाद है कि जो गन शॉट की एंट्रेंस वुड पर आपको कॉलर देखने को मिलता है, जो कॉलर होता है वो कितने टाइप का होता है, एब्रियन कॉलर होता है, डर्ट कॉलर होता है, ग्रीस कॉलर होता है, डर्ट कॉलर या उसको आई थिंक ग्रीस भी कहते हैं, पता नहीं स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूँ, एब्रियन कॉलर होता है, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा और यहाँ पर इसके अंदर और कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक, वो है एस्फिक्सिया। आई थिंक एस्फिक्सिया वाले जो टॉपिक्स है इससे आगे जो चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने मैकेनिकल इंजरीज और फायरआर्म इंजरी के बारे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।